दोस्तों, आपको अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज करने के लिए 1000 सब्सक्राइबर्स या 4000 घंटे के वॉच टाइमिंग की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि YouTube के नए गाइडलाइन के तहत आपको सिर्फ 500 सब्सक्राइबर्स और 3000 घंटे की वॉच टाइमिंग होगी, जिससे आपका चैनल ऑटोमेटिकली मोनेटाइज हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि ये दोनों प्रोसेस को पूरा होने के बाद आप अपने चैनल को मोनेटाइज कैसे कर सकते हैं। तो ये वीडियो 3 से 4 मिनट का होगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो सबसे पहली बात, यूट्यूब का ये नया अपडेट अप्लाई हुआ या नहीं, तो इसे चेक करने के लिए सबसे पहले आप अपने चैनल में जाएंगे, YT स्टूडियो में जाके अर्न सेक्शन में स्क्रॉल करेंगे, जैसा कि आपको मेरी वीडियो में दिख रहा है। इसे आप भी चेक कर सकते हैं कि अपडेट हुआ है या नहीं। इसमें आप देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी में आपके चैनल को मोनेटाइज करने के लिए 500 सब्सक्राइबर चाहिए और इस चैनल में 67 सब्सक्राइबर्स हैं। और नेक्स्ट जो है कि 90 दिन में आपकी 3 वीडियो अपलोड होनी चाहिए, जो इस चैनल में ऑलरेडी अपलोड है। और नेक्स्ट जो है, 365 दिन के अंदर 3000 घंटे वॉच टाइमिंग होनी चाहिए, पर इस चैनल में 2 घंटे ही वॉच टाइमिंग है। और अगर आप शॉर्ट्स वीडियो बनाते हैं तो 90 दिन के अंदर आपकी वीडियो में 3 मिलियन व्यूज होने चाहिए, जो कि इस चैनल में 9300 व्यूज है। तो जैसे ही आपका ये क्राइटेरिया पूरा होगा तो आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन आएगा, जिसमें क्लिक करते ही टर्म्स एंड रिव्यू का ऑप्शन आएगा। टर्म्स एंड रिव्यू में क्लिक करने के बाद आपके पास गूगल एडसन का ऑप्शन आएगा, जिसमें आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा और इस प्रोसेस को पूरा करते ही आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। इस टॉपिक में आपको अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।